डिपो में रोडवेज बसों की समय से मेंटेनेंस पूरी न होने से बसें लगातार वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं। पैसे तो पास हो चुके हैं लेकिन अभी तक रोडवेज प्रशासन की तरफ से कोई काम शुरू नहीं किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों को अपने भाइयों से मिलने के लिए रोडवेज बसों में फ्री सेवा का तोहफा तो दिया। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम भारत एट नाइन में। उत्तर प्रदेश में रोडवेज परिवहन निगम में लखनऊ के केसरबाग डिपो में रोडवेज बसों की समय से मेंटेनेंस पूरी न होने से बसें लगातार वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लखनऊ क्षेत्र में खटारा बसों के लिए पैसे तो पास हो चुके हैं लेकिन अभी तक रोडवेज प्रशासन की तरफ से कोई काम शुरू नहीं किया गया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों को अपने भाइयों से मिलने के लिए रोडवेज बसों में फ्री सेवा का तोहफा तो दिया और दूसरी तरफ रोडवेज बसों की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड भी रिलीज कर दिया है, लेकिन अभी तक रोडवेज प्रशासन की आंखें खुली नहीं है। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर। उर्दू के एक मशहूर शायर नासिर काजमी का ये शेर उत्तर प्रदेश रोडवेज के ऊपर बहुत परफेक्ट बैठता है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के हालात कैसे हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है। लगातार रोडवेज बसों का वर्कशॉप में खड़ा रहना परिवहन निगम के साथ साथ आने जाने वाले यात्रियों पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। बसों का संचालन ढंग से ना चलने की वजह से परिवहन को हर महीने लाखों का चूना भी लग रहा है। इन सभी बातों की हकीकत जानने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम भी मौके पर मौजूद नजर आई। लखनऊ ब्यूरो शादाब मूसा के सहयोगी तबरेज आलम ने केसरबाग डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से खास वार्ता की और दूसरी तरफ मार्ग पर संचालित होने वाली बसें जो चालकों का टेस्ट लेने के लिए जा रही थी, मौके पर बस में देखा कि बस का मेंटेनेंस पूरी तरह खराब है। आइए अब आपको दिखाते हैं परिवहन निगम की पोल खोलते हुए ये खास रिपोर्ट। रोडवेज व्यवस्थाओं को लेकर हमारे साथ यहाँ पर कई चालक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत सैनी। सैनी जी, क्या समस्याएं हैं आप? समस्या हम लोगों के सामने सिर्फ इतनी है कि हमारी गाड़ियाँ सही हो जाएं और हम लोग सही समय से सही रोटेशन पर अपनी ड्यूटी कर सकें, बस यही हम लोग चाहते हैं। और हमारी समय सही से ना गाड़ियाँ मिलती हैं, ना हमारी सही समय से हमारी गाड़ियाँ सही होती हैं, ना वर्कशॉप में हमारे कोई सामान है, ना कोई मैकेनिक है। ये बात हमारी सरकार को पता नहीं, पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपके माध्यम से अपनी सरकार तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे वर्कशॉप की ये सारी समस्याएं जो हैं, हमारे वर्कशॉप में सारा सामान और मैकेनिक उपस्थित कराए जाएं ताकि हम लोग अपनी रोजी रोटी को मुकम्मल तरीके से कर सकें और साथ में यूपी की जनता को सही सफ़र दे सकें, अच्छा और सुरक्षित। बस इसका कारण ये है कि हमारे डिपो में जब किसी प्रकार की कोई सामान की व्यवस्था ही नहीं है, अब इसमें अधिकारियों की गलती है कि सरकार की है, ये सरकार जाने अधिकारी जाने। कब से गाड़ियाँ नहीं बन पाएंगी? ये पूरे साल हो गया ऐसे ही चलते, 6 महीने तो मोबिल पानी डीजल सामान कुछ आता है यहाँ? आता तो गाड़ी लगता नहीं। आता है सामान? हाँ, सामान आता है। क्या होता है सामान का? लेकिन यहाँ कुछ हो सब सिस्टम है यहाँ कैसा? और मैंने इसे सब जो प्रमोशन चक्कर में सीनियर फोरमैन है ब्रजभूषण साहब, क्या कह रहे थे वो आजकल काम व्यवस्था है उनकी? व्यवस्था ढीली है, सब गाड़ी अप्रूव्ड है, ओके दे रहे हैं पर्ची काट के। आपकी कार कैसरबाग में लगभग कितनी गाड़ियां हैं ऐसी जो अभी तक खड़ी हैं? कम से कम 70 गाड़ी ऐसी होगी जो काम होने के बाद चलने लायक हैं। अच्छा, सामान नहीं आ रहा? घुमा दो कैमरा, घुमाओ। अच्छा, एक बात और छोटी बात हमको बताइए कि अभी क्या मामला हुआ जो जिस तरीके से एक चालक गाड़ी लेके गया जिसकी टायर राइड निकल गई? लापरवाही, ये लापरवाही है यहाँ मिस्त्रियों की। मामला क्या उसमें? अब हम तो आए हैं नेमी से नाइट करके, यहाँ आए हैं अब सुबह अपनी गाड़ी लेके, काम हो रहा गाड़ी। अच्छा, गाड़ियों में काम सही हो जाए गाड़ी सही। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो टायराट जिस गाड़ी का निकला है जी, डुमरियागंज गाड़ी गई थी रेलवे क्रॉसिंग पे, ये लापरवाही है। उसको ड्राइवर को जो है रेलवे पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है। ड्राइवर तो फांसी पे वैसे चढ़ा है, हर समय फांसी पे रहता ड्राइवर। टायराट का ड्राइवर ने निकाला है? लापरवाही मिस्त्री की है, टायराट निकला अगर मिस्त्री, हाँ इनकी लापरवाही है। उसको चालक को बंद कर दिया गया। अब भैया ड्राइवर ऐसी चीज है, चाहे जो रिक्शे वाला बैटरी वाला
बाहर का आदमी मारे, सुनने वाला यहाँ अधिकारी नहीं, न कैसर बाग कोई सुनने वाला है। टेस्टिंग के लिए आपने कह दिया कि दे दी गई गाड़ी, तो मनमोज ही हो गया ना? नहीं, ये तो अब निर्णय उनके ऊपर होता है, सिर्फ मैंने कई बार कहा भी निर्णय उचित है या नहीं, ये तो अनुचित है ही है, अनुचित है या नहीं, मैंने कई बार बोला भी, मैंने बोला जो गाड़ी में गियर या शीशा लगे हो वो गाड़ी भेजिए, ताकि हमारे बच्चे जो जा रहे हैं वो तो पास हो जाएं कम से कम, लेकर कह रहे जो गाड़ी मिले वो ले जाइए, आप चलाने लगते तो क्या करें बताइए, मैं तो नॉन टेक्निकल स्टाफ का हूँ, मैं तो ऑफिस में बैठता हूँ। अनुचित है, टेस्टिंग के लिए नई गाड़ी है, एकदम परफेक्ट गाड़ी, क्या कहते हैं जी? टेस्टिंग के लिए नई चाहिए ही, हम लोग इससे कैसे टेस्ट देंगे, कहाँ से पास होंगे सर? आप ही बताइए, इसमें ऐसे ही जब चालक नहीं लगा पा रहे गियर, तो हम लोग तो सर पहले से हैं, नहीं कैसे लग जाएगी? बिल्कुल, अब ये है कि अब चल रही। अच्छा, एक छोटी बात, कहीं लेन देन का मसला तो नहीं है बीच में? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अब आपसे बात करी, लेन देन का कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं डील करता हूँ। अच्छा, मैं ही ऑर्डर वगैरह वर्किंग ऑर्डर वगैरह सब बनाता हूँ। कैसे कैसे ये लोग पास हो जाएंगे आप हमको बताइए, वो चालक मतलब पीछे भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ठीक रही है गाड़ी, और नहीं अगर ये प्रथम टेस्ट पास हो जाते हैं तो सेकेंड टेस्ट कन्फर्म होता है, सेकंड टेस्ट क्वालिफाई हो गए उसके बाद। और भी बातें हैं हमारे साथ, कुछ और चालक है जो भर्ती हो रहे, चाहे तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नए चालक है, लगभग यहाँ पर फोर्टी थ्री बीस ट्वेंटी लगभग 20 चालक जो है इस समय बक्सी के तालाब पर जो ग्राउंड है वहाँ पर टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोर भी चाचा बैठे हैं। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है? जितेंद्र चित जी, जितेंद्र चित भैया, थोड़ा साइड में होंगे। क्या लगता है आपको, आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं जी? टेस्टिंग के लिए आपको लगता है सही है ये नई गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, पुरानी क्यों है? ये सब योगी जी को बदनाम करने के लिए अधिकारी ऊपर से नीचे तक कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि कार्य सही हो ही नहीं रहा। वो एक चालक जो पुराने चालक हैं ऑलरेडी चला रहे हैं गाड़ियों को, वो कह रहे हैं कि ये गलत है गाड़ी, कोई कंडीशन ठीक नहीं, आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे? अब पास हो या ना हो, तो भाई अब सरकारी दफ्तर से गाड़ी जा रहे तो हमको करना तो ही है, मजबूरी है भाई, अब पास हो या ना हो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, समझ रहे हैं भाई, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब भैया कुछ कह रहे थे, इनसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है भाई? बाबूराम। बाबूराम भैया, अब ये बताइए टेस्टिंग के लिए गाड़ी कैसी है? ये तो बिल्कुल गाड़ी है, वो चालक ही बता रहे हैं, आप लोग पास हो जाएंगे क्या इसमें? नहीं पास तो नहीं, पास तो करेगा ये अधिकारी, लेकिन पास कर देगा नहीं, अब तो अधिकारी करे या न करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कह रहा हूँ कि संसार में इतनी गाड़ियाँ फर्जी चल रही है, 108 की फर्जी गाड़ी चल रही है, उसमें कोई केस नहीं देखने जाता, इसमें गाड़ी में केस जा रहा है, सरकार को फोकट के लिए जा रही है। आपको ये बताइए, ये टेस्टिंग जो होने जा रही है आप देने जा रहे हो, आपको क्या लगता है गाड़ी ठीक होनी चाहिए थी नहीं? हाँ गाड़ी तो ठीक होनी चाहिए, ये बात तुम्हारी सही, सभी गाड़ियाँ ठीक होनी चाहिए, यही नहीं सभी गाड़ियाँ ठीक होनी चाहिए, लेकिन एक मुद्दा उस पर भी तो उठाइए, लोग उसके लिए 7-8 हज़ार लोग मर जाते हैं, वो खोलते हैं। अभी बात टेस्टिंग की चल रही भाई। हाँ तो यही बात है कि ये गाड़ी अभी तो नहीं ठीक है, लेकिन चल के आई थी इसलिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसका मोबिल वोबिल सब टपक रहा है? मोबिल टपक रहा है, लेकिन मोबिल पूरा है, चलाई भी नहीं कुछ भी, कोई व्यवस्था, ये अभी चल के आई सर है जी। हाँ, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और पूरी बसों को हम लोग 100% ऑन रोड करने के लिए जो है पूरी युद्ध स्तर पर तैयारियाँ चल रही हैं। हमारी सारी बसें जो है परिवहन निगम की कैसरबाग डिपो की ऑन रोड रहेंगी, और सारे हमारे स्टाफ के लोग जो इस समय हैं उनको हम लोग तत्परता से कार्य पर बुला लिए हैं, और कोशिश ये किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां हम लोग संचालित करें, ऑन रोड रखें, और इनके फेरे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों किसी भी किसी प्रकार की कठिनाई ना होने पाए, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। कुल कितनी कैसरबाग डिपो में बसें हैं निगम की और अनुबंधित? निगम की 139 हमारी निगम की बसें हैं, और 128 अनुबंधित बसें हैं। इन सारी बसों को हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें हम लोग चलाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा दें। निगम की बसें जो है लगभग अभी कार्यशाला में कार्य की वजह से ना होने की वजह से कितनी बसें होंगी? ये मेंटेनेंस के कार्य जो नियमित मेंटेनेंस होता है उसी के तहत गाड़ियां रोकी गई हैं। इसमें कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें छोटे छोटे कार्य होने हैं, वो कार्य करके हम लोग इनको टेस्ट के लिए भी रूट पर भेज रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ होंगी जो अभी मेंटेनेंस? करीब 12 से 13 गाड़ियाँ हमारी अभी हैं जो कि मतलब कार्य उस पर चल रहा है। अच्छा, मार्ग पर लेकर आपकी तरह क्या गाइडलाइंस चालक परिचालकों को दी गई है कि आपको त्यौहार पर किस तरीके से सावधानियां बरतनी है? जी हाँ, महिलाओं को विशेष करके सुरक्षा भी प्रदान करा दी? नहीं नहीं, उनको हम लोग विशेष रूप से चालक परिचालकों को सेंसिटाइज कर दिए हैं कि विशेष तौर से महिलाएं हमारी यात्री रहेंगी जो कि बहुत कम रोड पर निकलती हैं, बहुत कम यात्रा करती हैं, तो उनके लिए हम लोग विशेष संवेदनशीलता बरतते हुए जहाँ भी उनको यात्री अगर जो मिलेंगे तो उनको हम लोग यात्रा सुविधा हाथ देने पर पूरी सुविधा उनको देंगे। यात्रा सुविधा चालकों का टेस्टिंग एक हिसाब से होना चाहिए कि हमारी वाहन जो भी चीज़ें हैं जो सही तरीके से हों, अगर वाहन सही होगी तभी चालकों की टेस्टिंग हो पाएगी, अन्यथा उसका मनोबल गिर जाएगा
और गिरने के कारण ये होगा कि जो हमारा भर्ती होना चाहता चालक वो उसी में ही भाग चला जाएगा। अच्छा, अभी एक गाड़ी आपकी कार्यशाला से बाहर निकली जो टेस्टिंग के लिए जा रही थी, बहुत मोबिल टपक रहा, गियर ठीक नहीं, पूरा बोनट उखड़ा हुआ है, उसमें जो चालक था वो चला रहा है, वो भी कह रहा है कि गाड़ी ठीक नहीं है, इस पर टेस्टिंग होना उचित नहीं है, फिर भी टेस्टिंग? हाँ, क्योंकि जो है कि अगर चालक को लगता है कि गाड़ी ख़राब है, हाँ, तो चालक को गाड़ी उस वाहन को ले कर जाना नहीं चाहिए जिसमें कि जो भी टेस्टिंग है, जैसे कि मोबिल चपक रहा है या गियर नहीं लग रहा है, या हो सकता है आने वाले समय में गियर के अलावा कहीं भी हो सकता है ब्रेक ना लग पावे, घटना भी हो सकती है। इसमें बेरोजगार के साथ साथ उन आदमियों को भी इसमें ख़तरनाक शामिल किया जा रहा है जो पब्लिक रोड पर चल रही है, जिसके कारण उनके साथ भी घटना हो सकती है। लगभग 20 चालक थे, क्या लगता है कि ये किसी तरीके से सही है, टेस्टिंग के लिए नई गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए थी? नई गाड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा प्रावधान है कि जो कि इनके पुराने वाहने हैं, जिनके न पार्ट आ रहे हैं न सामान आ रहे हैं, हवाई चालक आधे से ज़्यादा लौट जा रहे हैं, इनसे पूछा जाता था कि हमको हमारे पास पार्ट नहीं है, सामान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक सीनियर फोरमैन का दायित्व होता है कि क्षेत्रीय कार्यशाला में जाके अपने सामानों को परचेजिंग करावें और पुनः उसको ले आके वाहन का कार्य कराएं। अच्छा, परिवहन निगम की नियमावली की अगर हम बात करें या एक रूल्स की बात करें कि टेस्टिंग जो है वो सही होनी चाहिए, अच्छे वाहन पर होनी चाहिए, ये क्या एक गलत मैसेज नहीं जाता निगम के लिए कि आप खटारा गाड़ी पर टेस्टिंग करवाते हैं नए चालकों की? हाँ, तो इस क्योंकि जो है वो खुद ही नहीं चाहते हैं, परिवहन निगम के कर्मचारी खुद ही नहीं चाहते हैं कि बाहर का चालक आवे और यहाँ पे उनका जो है मनोबल बढ़ावे। मनोबल की बात आती है, हाँ, मनोबल, जिसमें इसके कारण है कि जिसमें कि 95% बसें मेरी खड़ी हुई हैं, पुरानी गाड़ियाँ, ना उनके पास सामान है ना कुछ है। अच्छा, अभी सहायक क्षेत्र प्रबंधक ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर सभी जितने भी चालक हैं उनको बताया गया है कि आपको महिलाओं को कैसे सुरक्षित एक दूसरे स्थान पर पहुँचाना है, क्या कुछ बताया गया है या खाली हवा हवाई? खाली हवा हवाई है। आ जाइए इधर, आइए आप भी आ जाइए। तो यहाँ तो यह खाली कि एक झूठा लिखाते हुए आपने देखा कि लगातार यूपी परिवहन निगम के जो आदेश है उनकी कैसे अवहेलना की जा रही है, जो टेस्टिंग के मानक है उन मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आखिर देखना होगा, कहीं ना कहीं ये परिवहन निगम के उन आला अधिकारियों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट सादा मूसा के साथ, मैं तबरेज आलम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। वही जब हमारे संवाददाता ने कैसरबाग डिपो की पड़ताल की तो 50 से 60 खटारा बसें वर्कशॉप में खड़ी है। क्या मुनासिब है कि 2 दिनों के अंदर सभी बसों का बनना सरकार और वर्कशॉप में काम कर रहे लोगों के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि एक बार में सारी बसें ठीक करके सड़कों पर उतार देंगे? जब हमारे रिपोर्टर ने वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि दर्जनों बसें तो 6 महीने के ऊपर से वहां पर खड़ी हैं। हालांकि लोग कैमरे के सामने बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए नजर जरूर आए। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे, देश भर के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं। एनसीआरबी के आखिरी आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में देश भर में कुल 4,46,768 सड़क हादसे हुए थे। इसमें 1,71,100 लोगों की मौत हुई और उनमें से कई ज्यादा यानी कि 4,23,158 लोग घायल हुए। हर बार की तरह वही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी कि कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन न्यूज वन इंडिया की जांच पड़ताल ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी रहेगी। हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, पल पल की अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे कि आखिर परिवहन विभाग इस पूरे मामले पर क्या कदम उठा रहा है। लखनऊ से ब्यूरो चीफ शादाब मूसा के साथ ये खास रिपोर्ट। आगे भी आप देखते रहिएगा। आज के एडिशन में बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।